वेलकम ऑल, लेट अस सी प्रैक्टिस सेट 6.3 का सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई। सिक्स चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का। सिंप्लीफाई में हमें यहाँ पे x प्लस 3 द होल क्यूब माइनस x माइनस y द होल क्यूब ये हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करने बोला है। तो हम फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है दोनों के बीच में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। लेट अस बिगिन द क्वेश्चन, सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई द होल क्यूब माइनस x माइनस वाई द होल क्यूब। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं x a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेट अस बिगिन हियर, a का वैल्यू विल बी x प्लस वाई एंड बी का वैल्यू विल बी एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे अब हम ए क्यूब ये है और ये बी क्यूब है, इसको हम ये फॉर्मूले में स्प्लिट कर देंगे। तो ए के जगह पर अब हम एक्स प्लस वाई लिखेंगे और बी के जगह पर एक्स माइनस वाई लिखेंगे। तो क्वेश्चन विल बी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो हम थोड़ा सा स्मॉलर साइज में लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। तो अभी हम a के जगह पर, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a के जगह पर x माइनस वाई वी विल राइट। तो a के जगह पर x माइनस वाई, तो विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट, a के जगह पर x माइनस वाई, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया ऑलरेडी, और a के जगह पर x प्लस वाई आएगा और b के जगह पर x माइनस वाई, तो माइनस x माइनस वाई। नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ऐसे ले लिया। फिर उसके बाद प्लस a मल्टीप्लाई बाय b मतलब x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इन दिस वे, प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर प्लस x माइनस वाई द होल स्क्वायर, ऐसे। एक बार चेक कर लेते हैं सारे वैल्यूज। a के जगह पर x प्लस वाई है और b के जगह पर x माइनस वाई, तो a माइनस बी, तो ये परफेक्ट हो गया। आगे a स्क्वायर की जगह पर x प्लस वाई द होल स्क्वायर आ गया, a के जगह पर स्क्वायर आ गया, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b स्क्वायर मतलब x माइनस वाई स्क्वायर, तो b के जगह पर x माइनस वाई स्क्वायर। लेट अस गो एंड सॉल्व फर्दर। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजी है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो x प्लस वाई ये तो ऐसे ही आ रहा है, बट यहाँ पे x के पास ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस x, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस y। तो ब्रैकेट के बाहर अगर सब्रैक्शन का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, मतलब x के पास प्लस था तो माइनस आ जाएगा, y के पास माइनस था तो प्लस आ जाएगा, इन दिस वे ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अब ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना होगा। लेट अस सी हाउ टू डू दिस, इसको हम वर्किंग नोट में पहले सॉल्व करते हैं, फिर फाइनल आंसर हम यहाँ लिखेंगे।
हम इसे साइड में सॉल्व करके इसका आंसर डायरेक्टली लिखेंगे फिर। तो यहाँ पे x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा यहाँ पर इसके लिए a प्लस बी द होल स्क्वायर। तब यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है तो a के जगह पर x है और b के जगह पर y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे। तो ए के जगह पर x आ गया और b के जगह पर y आ गया, b के जगह पर टू ए बी और b के जगह पर y आ गया ऐसे। नेक्स्ट अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसे। तो ये हमें इसका सल्यूशन मिल रहा है। तो ये वाला जो सल्यूशन है वो हम यहाँ पर इसके जगह पर लिखेंगे। तो जो सल्यूशन आया था वो हम लिखेंगे अभी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसे। तो ये वाला जो x प्लस वाई द होल स्क्वायर है वो स्प्लिट होकर ये बन गया है। कैसे हमने ये फॉर्म किया है वो ये फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और ये फॉर्म किया है, ऐसा करना है। तो वर्किंग में करके भी कर सकते हैं या अगर हमें डायरेक्टली आता है तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे। तो ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। लेट अस गो फर्दर, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, ये वाला प्लस साइन। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई हमें करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई विल शो यू। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम एक्स ले लेंगे, फिर ये होल ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का, फिर हम ये प्लस वाई लेंगे और x माइनस वाई का होल ब्रैकेट ऐसे। तो x माइनस वाई को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, फिर x माइनस वाई को y से मल्टीप्लाई करना है ऐसे। पहले x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा फिर y से ऐसे। अब मल्टीप्लाई कर लेना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब ये दोनों क्योंकि सेम टर्म है ये कट हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे। तो ये मुझे इसका सोल्यूशन आ रहा है। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हमें फॉर्मूला बाय हार्ट है तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही x प्लस वाई और x माइनस वाई का होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और सॉल्व करके भी आई हैड शोन यू कि कैसे सॉल्व करके भी हम रफ में निकाल सकते हैं। तो वी गॉट x प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो है उसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके वी गॉट दिस। तो ये भी फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही ये वाला भी सॉल्व करेंगे, बट ये वाला माइनस वाला नंबर है तो सेम आंसर सेम आएगा, बट स्टार्ट में सिर्फ माइनस आएगा। इन सेम वे वी हैव टू डू इट, माइनस वाला फॉर्मूला है वो करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसे, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। तब मैंने दो ब्रैकेट सॉल्व कर दिया है, अब हम इसे सॉल्व करना है फर्दर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई है, यहाँ माइनस टू एक्स वाई है। तो ये और ये क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लस टू वाई इधर माइनस टू वाई है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। एज वेल एज और कुछ अगर सेम रहेगा
तो वो भी कट होकर ज़ीरो हो जाएगा। बट हमने देख लिया यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये कट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है ऐसे। यहाँ पे बच रहा है वाई प्लस वाई, मीन्स हो जाएगा 2y। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3x2, 3x2। अब क्या यहाँ पे बच रहा है, प्लस वाई स्क्वायर, तो वो लिख लेना है प्लस वाई स्क्वायर ऐसे। तो जो 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 नंबर कट हुआ है वो, क्योंकि ज़ीरो हो गया है, जैसे प्लस था माइनस था तो कट होकर ज़ीरो हो गया है, ये प्लस था ये माइनस था, सेम नंबर है कट होकर ज़ीरो हो गया है। अब जो जो बच गया है, जैसे ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो तीनों को ऐड कर लिया, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 3, तो 3x2 प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा है, तो वो वाई स्क्वायर आ गया ऐसा। दिस विल बी अवर आंसर, ऐसे हमें सॉल्व करना है। हम इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें एज अ टेक्स्ट बुक आंसर चाहिए तो हम कर सकते हैं, ये 2y को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x2y। वैसे ही इधर 2 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y3 ऐसे। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ऐसे हमें फाइनल आंसर निकालना है। यू कैन सी इन द टेक्स्ट बुक बैक साइड, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट का फर्स्ट आंसर, द 6x2y प्लस 2y3, यू गॉट द सेम आंसर एज इट इज शोन। ऐसे हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो दिस इज अवर फर्स्ट सम, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। सम थोड़ा सा लेंदी है, वी हैव टू रीचेक इट एवरी टाइम। अगर हम इसे रीचेक नहीं करेंगे तो विल गेट द रॉन्ग आंसर। सारी चीज़ें हमें एक बार चेक कर लेना है एवरी टाइम। इन दिस वे वी गॉट दिस, बट वी फर्दर वॉन्ट टू सॉल्व इट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट दिस एज अ फाइनल आंसर। लेट अस गो एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एज शोन हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पैटर्न से करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन इट। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 विच आर लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट मेथड, तो वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ आर एज इट इज सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में किया था, ए प्लस बी द होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर वाला हमें अप्लाई करना है, तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ए प्लस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये फॉर्मूला था ए प्लस बी द होल क्यूब का, हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था फिफ्थ चैप्टर में। नेक्स्ट उसके बाद ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ यू कैन सी इन दिस के यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दिस गॉट कैंसल्ड क्योंकि प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा, एज वेल एज प्लस बी क्यूब और यहाँ पे माइनस बी क्यूब, ये प्लस में और ये माइनस में, तो दिस विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, हमारा जो आंसर है वो 3
ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. इन दिस वे वी गॉट द आंसर. ऐसे अब हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ सिंगल ए है. इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो वी कैन नॉट ऐड इट. लेट अस गो फर्दर. तो दिस इज आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज पी क्यूब माइनस पी प्लस वन द होल क्यूब. दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है? पी क्यूब माइनस पी प्लस वन द होल क्यूब. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं p प्लस वन द होल क्यूब का फॉर्मूला, मतलब a प्लस बी द होल क्यूब, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो p क्यूब को एज इट इज रखना है जैसे था, और ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे p प्लस वन द होल क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी द होल क्यूब वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, जिसमें हमें ये फॉर्मूला अच्छे से आता है. जैसे ही हमने पिछले चैप्टर में किया था वही फॉर्मूला है. ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब. ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. ये फॉर्मूला ए प्लस बी द होल क्यूब. तो ये ए है और ये बी है. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट. तो ये फॉर्मूले में हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो ये कैसे हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की जगह पर अब पी आ रहा है तो हो जाएगा पी क्यूब. ऐसे पी क्यूब और जो बी है हमारा वो वन है, तो थ्री ए स्क्वायर बी, मतलब प्लस थ्री ए स्क्वायर. ए मतलब वन होता है तो वन स्क्वायर इंटू बी. बी मतलब सॉरी थ्री ए स्क्वायर बी. बी मतलब तुम्हारा वन है और a मतलब p है, तो a के जगह पे p स्क्वायर आ जाएगा. तो 3p स्क्वायर इंटू ये a है और ये b है, b मतलब 1 इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर. तो 3 मल्टीप्लाई बाय a मतलब p इंटू 1 स्क्वायर. ऐसे फिर प्लस b स्क्वायर, तो b तुम्हारा 1 है तो 1 स्क्वायर. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो पी क्यूब ऐसे ही एज इट इज आ रहा है, ये माइनस और ये ब्रैकेट. पी क्यूब का पी क्यूब ही आएगा. इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो थ्री थ्री वन जा थ्री, तो आ जाएगा फोर. सॉरी थ्री वन जा थ्री होगा तो थ्री पी स्क्वायर प्लस थ्री पी स्क्वायर. फिर यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस साइन. फिर इसको मल्टीप्लाई करना है थ्री वन जा थ्री, वन वन जा वन होगा तो थ्री वन जा थ्री. फिर थ्री पी प्लस वन वन जा वन. ऐसे ऐसे हमें कर लेना है. अब हम देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबका साइन चेंज हो जाएगा. तो पी क्यूब एज इट इज लिखा माइनस. इसके पास में क्योंकि प्लस था तो अब माइनस आ जाएगा, तो माइनस पी क्यूब. ऐसे माइनस आ गया पी के पास क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो रहा है. यहाँ प्लस था तो माइनस थ्री पी स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो माइनस थ्री पी, यहाँ प्लस था तो माइनस वन. ऐसे अब यहाँ देख सकते हैं एक प्लस पी एक माइनस पी एक कट हो जाएगा. और जैसे ये दोनों के पास माइनस है लेकिन जो है टर्म अलग अलग है, तो ये हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एज इट इज रहेगा और यहाँ माइनस वन. तो इन दिस वे आवर आंसर विल बी, हमारा आंसर होगा इज इक्वल टू थ्री पी स्क्वायर माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री पी स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है. तो माइनस थ्री पी स्क्वायर माइनस थ्री पी और माइनस वन, दिस विल बी आवर आंसर. माइनस थ्री पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस वन, दिस विल बी आवर आंसर. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थोड़ा सा अच्छे से देखना है वीडियो, एटलीस्ट दो थ्री टाइम सॉल्यूशन देखेंगे तो यू विल गेट इट. क्योंकि हम इसे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है, बट यू कैन प्रैक्टिस इट टू थ्री टाइम्स. तो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन.
ऐसे ही हमें फोर्थ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, और फिफ्थ क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न पे ये फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ सेम है. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट. आई हैड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ये लॉजिकली जो है डिफरेंट पैटर्न से था, और ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न से. आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिस सेट. इफ यू हैव डाउट कमेंट मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड. थैंक यू ऑल.